अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब. स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2019 में बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बी फार्मा, इन सभी चारों कोर्सेज के एग्जामिनेशन सक्सेसफुली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16 जून को कंडक्ट हुए थे और इनका रिजल्ट भी आ चुका है. अभी हाल फिलहाल में ही बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस ये हैं कि सर काउंसलिंग डेट की कोई सूचित हमें नहीं आ रही है, कोई सूचना हमें मिल नहीं रही है, किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच नहीं पा रही है. तो कृपया आप बताएं हमें कि कब से इन सभी कोर्सेज की, स्पेशली बीएससी नर्सिंग के सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर कब से काउंसलिंग होगी इसकी. तो देखिए, अभी तक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू ने ऐसा कोई अपने वेबसाइट पर तो जारी नहीं किया है नोटिफिकेशन, लेकिन फिर भी कुछ मिली हुई सूचना के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि लगभग ये एक्सपेक्टेड है कि 30 जुलाई से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी. 30 जुलाई से काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी तो उससे 3-4 दिन पहले आपके ईमेल पर काउंसलिंग लेटर भी जाएगा, कॉल लेटर भी जाएगा, और उसके साथ ही साथ आपके किस डेट को होगी एग्जैक्टली वो आपको पता चल जाएगा. लेकिन फिलहाल में सूचना यही है कि लगभग 30 जुलाई से इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाने की संभावना है. यंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके मन में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है, उत्साह भी रहता है कि हमने इतने मार्क्स पाए हैं, हमें लगता है कि हम इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा ज़रूर बनेंगे क्योंकि हमने अच्छी मेहनत की थी, अच्छे मार्क्स पाए हैं. तो मैं भी समझता हूँ कि ये जाहिर सी बात है, अगर आपके स्टेज में मैं भी होता तो मेरे मन में भी यही भाव आते, यही विचार आते. बट स्टिल यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम कि लगभग 30 जुलाई से इसकी संभावना है कि ये इन चारों कोर्सेज की काउंसलिंग प्रारंभ हो जाए. और मतलब ज़्यादा समय नहीं है, इट इज़ आई एम मोर देन श्योर कि विद इन अ वीक इट द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ दिस कोर्सेज विल बी स्टार्टिंग. सो कीप शेयरिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो करना ही करना है. और अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें. यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट.